हाउ टू लिव योर बेस्ट लाइफ। दोस्तों, अपनी परफेक्ट जिंदगी कैसे जीनी है, मैं आपको पहले बात हूँ, मैं लोगों से कई बार बोलता हूँ कि पेन पेपर लो या फोन लो, लैपटॉप लो और इस पर ये लिखो, व्हाट इज योर आइडियल लाइफ। मतलब तुम्हारी लाइफ कुछ भी हो सकती है, तुम लिख रहे हो अपनी लाइफ, वो आइडियल लाइफ क्या है। और कई लोग अटक जाते हैं, मोस्टली लोग अटक जाते हैं, कहते हैं मतलब क्या तो मैं कैसे, मतलब क्या होगी मेरी आइडियल लाइफ। तुम्हें पता है, तू डिजाइन करना, तू बता देखो क्या चाहिए लाइफ में, जो चाहिए वहां लिख दे कि तेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। पर वो लाइफ में जो हो सके वो चीजें, पॉसिबल चीजें जो हैं वो लिख के तेरी आइडियल लाइफ कैसी दिखती है तेरे को। लोगों को नहीं पता है, मैंने दोस्तों के साथ किया है एंड पीपल डोंट नो व्हाई। तो पहली बात ये, लोगों को यही नहीं पता बेस्ट लाइफ होती क्या है, यू नो, बिकॉज इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। डज बेस्ट लाइफ मीन नो वर्क, डज बेस्ट लाइफ मीन गुड वर्क, डज बेस्ट लाइफ मीन अ लॉट ऑफ वर्क, आधा दिन काम पूरा दिन काम, डज बेस्ट लाइफ मीन पार्टिंग, ट्रैवलिंग या रिलैक्सिंग एट होम। कितना ट्रैवल, कितना, लाइक वी डोंट नो क्या लाइफ चाहिए हमें। बट व्हेन आई से दिस, आई थिंक वन शुड ऑलवेज ट्राई टू लिव देयर बेस्ट लाइफ। आइडियल फिगर आउट करते रहो, टाइम लगाओ, पहली बार तो सोचो कि आइडियल लाइफ क्या हो सकती है। पर तब तक, जब तक आइडियल तक नहीं पहुंचते, अब तक अभी जो तुम्हारी सिचुएशन है उसमें अपनी बेस्ट लाइफ कैसे जी जा सकती है। चाहे आइडियल तो एक दिन आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी कैसे अपनी बेस्ट लाइफ जीनी है ये मैं आपको बताना हूँ कि पहले कैसे करना है, कैसे ये करना है। तो 4 टिप्स आपको देता हूँ कि अभी अपनी लाइफ कैसे बेटर हो सकती है, बेस्ट लाइफ कैसे जी जा सकती है जो अभी की आपकी सिचुएशन है। पहली, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। मतलब सोचो कि जो मैं हूँ मेरा बेस्ट वर्जन क्या है। अगर मैं अनफिट और मोटा और जैसा हूँ, तो अगर मैं ये अनफिट और मोटा ना होता तो कैसा दिखता, तो वो आपका बेस्ट फिजिकल वर्जन हो गया, ठीक है ना। अगर आप ठीक से सोते नहीं हो तो बोलोगे यार मैं ठीक से सोऊँ अगर और फ्रेश उठूँ तो वो मैं कैसा होगा, तो वो आपका बेस्ट वर्जन हो गया, यू नो। सो यू जस्ट हैव टू लिव अ लाइफ कि हर रोज़ वही चीज़ें करनी है जो मेरे को इम्प्रूव करे और थोड़ा मेरे को अपने बेस्ट वर्जन की तरफ लेके जाए। कोई काम करना ही नहीं है, ये नहीं कि सिर्फ ऑफिस चले गए, 9 to 5 ऑफिस हो गया, अब इसके बाद बस बैठे हैं, पार्टी कर रहे हैं, दोस्तों के साथ लेटे पड़े हैं, टीवी देखना है, घर जाके कर लिया मैंने अपने ना। दैट्स लाइक एग्जिस्टिंग, दैट्स लाइक डूइंग योर जॉब। बोलो अच्छा ठीक है 5 बज गए, मेरा ऑफिस का काम हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। मे बी आई कैन गो फॉर वॉक, मे बी आई कैन गो टू द जिम, या मे बी आई ऑलरेडी वेंट टू द जिम इन द मॉर्निंग आइडियली, या फिर मे बी आई कैन रीड अ बुक, मे बी आई कैन कॉल माई मदर, मे बी आई कैन कॉल सम फ्रेंड्स, टॉक टू देम, बी अ गुड लाइक रिलेशनशिप पर्सन। दैट्स हाउ होल डे विल बी स्पेंट। मे बी आई कैन स्लीप अर्ली, मे बी आई कैन स्लीप एट 10 o'clock टूडे, रोज 1 बजे सोने की जरूरत है, मे बी आई कैन कीप माई फोन अवे। ऑल दैट इज पार्ट ऑफ बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ये तेरे को ऐसे जीना शुरू करना पड़ेगा कि दिस इज हाउ आई विल लिव नाउ, यू नो। आई डोंट वांट टू लिव अ डे कि बस गए अपना काम किया, अच्छा ये करना है अब वो करना है, यू आर रिएक्टिंग। देन ऑफिस क्यों जा रहे हो, क्यों जाना है, कॉलेज क्यों जा रहे हो, क्यों जाना है। अगर ना जाना होता फिर क्या करता, पूरा दिन पढ़े रहता। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, थिंग्स दैट मेक यू द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सेकंड थिंग, लिव इन द प्रेजेंट। देखो रोज एक अपॉर्चुनिटी है खुश होने की, काम भी करना है लेकिन रोज खुश भी होना। अगर मैं ये बोलूँ यार अब मैं अपने आप को इंप्रूव करूँगा और बेटर हूँ और बेटर हूँ, लेकिन जिस दिन मेरी परफेक्ट बॉडी होगी, मेरी अभी बॉडी परफेक्ट नहीं है, बट इफ राइट नाउ इट्स बेटर देन व्हाट इट वाज अ फ्यू मंथ्स बैक बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट, और आज जो है आई एम हैप्पी विद इट, आई विल गेट बेटर। बट आज रोना धोना नहीं लेके बैठना कि अरे जिस दिन वो मिल जाएगा तब खुश होंगे। खुश तो रोज होना है यार, वो तब होता है व्हेन यू लिव इन द प्रेजेंट। क्या मजे हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, यू नो, आई नो इट्स वर्क ये वो, बट इट्स नाइस दैट समबडी इज वॉचिंग दिस। हो सकता है आप जयपुर में हो, गुवाहाटी में हो, बैंगलोर में हो, दिल्ली में हो, कोई कहीं भी हो सकता है, दुनिया के किसी कोने में हो सकता है, न्यूयॉर्क में हो सकता है। आई एम गेटिंग टू डू दिस, व्हेन आई थिंक दिस आई एम इन द प्रेजेंट। मैं सडनली प्रेजेंट में आ गया। अगर मैं ये सोचने लग जाऊँ ओह मिस्टर बीस्ट की तो इतने सब्सक्राइबर है, मैं तो वहाँ तक कभी नहीं पहुँचूंगा, ये वो, दैट्स नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट, दैट्स नॉट हेल्पिंग मी। Even if I want to get better, it doesn't mean I keep comparing and not be happy today. Number 3, declutter. Declutter your life. अपनी लाइफ से ना कबाड़ हटाओ। घर में कबाड़ पड़ा होता है, उठाओ फेंको। अलमारियों में कबाड़ होता है जो कपड़े पहनते नहीं, पुरानी चीज़ें यूज़ नहीं करते, फेंको। दैट इज़ डी क्लटरिंग योर हाउस। नाउ यू शुड डी क्लटर योर लाइफ। फालतू लोग लोगों में रखे हुए हैं, दो दोस्त हैं जिनके साथ कोई लेना देना नहीं है, यू डोंट फील एनी बॉन्ड विद देम, बस बैठे हैं क्यों यार, और अब दोस्त है, ये है, ये आता है, मैं उससे मिलता हूँ। यू फील क्लोज टू हिम, यू केयर फॉर हिम, यू फील लव फॉर देम। तो क्यों है तुम्हारी लाइफ में? डी क्लटर, बाहर 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 बाहर। ठीक है, खाना, चिप्स खा रहे हो, कुरकुरे खा रहे हो, क्यों खा रहे हो? बस बोर होते हैं, मज़ेदार चटपटे। इज़ इट गुड फॉर यू? नो। कोई यूज़ कर रहा है? नहीं, यूज़ नहीं है ना उसका कोई तुम्हारी लाइफ में, नहीं। बाहर, डी क्लटर योर लाइफ, डी क्लटर योर लाइफ। एंड नंबर 4 विच कम्स टू दिस इज लुक आफ्टर योर बॉडी। कोई बंदा जो फिट होता है ना वो बहुत दुखी नहीं होता। सो इसका मतलब फिटनेस जो है वो बॉडी पे ही नहीं, वो माइंड पे भी काम करती है। एंड यू दैट विल हैपन इफ यू लुक आफ्टर योर बॉडी एंड लुक आफ्टर योर फिटनेस। सो फिटनेस इज एक्सरसाइज, यस सब लोगों को पता है फिटनेस एक्सरसाइज है, बट यू ऑल्सो नो इट्स अदर थिंग्स। डाइट इज अनदर वन। एंड नंबर 3 इज स्लीप, विच मीन्स स्लीपिंग ऑन टाइम। ये डाइट, स्लीप एंड एक्सरसाइज आर द 3 कॉर्नर स्टोन्स ऑफ फिटनेस। तो यू नीड टू डू दैट। एंड देन और चीज़ें भी हैं, यू नो, यू हैव टू ड्रिंक वाटर, यू हैव टू बी काम, यू कांट टेक इमोशनल, वेरी लाइक एंग्री, यू कांट गेट लाइक ट्रिगर्ड ऑन एवरीथिंग। हर चीज़ पे लोग ट्रिगर होते हैं आजकल, वो सब नहीं कर सकते। दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, यू नो। ऐसे ही बस यही सब करना है। यू हैव टू एम टू बी द बेटर देन येस्टरडे एटीट्यूड, मतलब बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, टू लिव इन द प्रेजेंट, यू हैव टू डी क्लटर एंड लुक आफ्टर योर बॉडी। यू स्टार्ट डूइंग दिस, ये सब करना शुरू कर दे तो देख तेरी लाइफ कितनी बेटर हो जाती है। 2 हफ्ते में तो देख तेरी लाइफ कितनी इंप्रूव हो जाएगी, तो करके तो देख। So I just thought I'll share with you how you can live your best life, and it starts with these small steps, and that's how it's done. जरूरी नहीं है कि you reach the absolute top of the world and then only best life होती है. Best life begins कि अभी क्या best बन सकते हो, and then one day you will reach your ideal life. For that you'll have to write down what is your ideal life. Tell me what is your ideal life. चलो tell me in the comments below what is your ideal life to you. And thank you for watching, guys. Hi guys, thank you for watching this video. If you liked it, do like, subscribe, share and comment. And to invite me as a speaker at your event, please contact my team at the contacts here and also given in the description below. Take care.